जोहार झारखंड। मैं आज भंडरा में पहुंचा हूं बहाल इंडा खुलने से। तो यहां पर जो हमारे भावी सांसद चमरा लीला के समर्थक आए हुए, हम आइए उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए, आप कहां से आए हैं? तो सर आज किस मकसद को लेकर आप इस जगह पर आए हैं? हम तो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, पंचायत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम एक आदिवासी हक है और जल जगह जमीन दर्द को हम समझते हैं और इसीलिए हम नेता जी इस आदिवासियों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जल जगह जमीन के लिए काम कर रहे हैं, के बारे में बोलते हैं और हमारे धर्म और श्रद्धा कोड के बारे में बात करते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं उनकी बात सुनने। तो हमारे भावी संसद चमरा लीला के बारे में कुछ अफवाह उड़ाए जाते हैं, आपके कान तक भी पहुंचे होंगे, तो उस सिलसिले में आप कुछ व्यंग रखना चाहते हैं, कुछ व्यंग कसना चाहते हैं या सही क्या है उसको बता सकते हैं क्या? जैसे कि एग्जांपल के लिए पार्टी से अलग होके चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? आदिवासी हित के लिए लड़ रहे हैं या उसका हमें क्षति होने वाली है? लेकिन चमरा लीला समाज के हित के बारे में सोचते हैं और उनका एक अलग विचार और सोच है इस क्षेत्र के आदिवासियों के, और इसीलिए वो पार्टी छोड़े नहीं है, लेकिन इस समाज के लोगों के हित के बारे में सोचते हुए वो चाह रहे हैं कि अगर मैं इस क्षेत्र यहाँ से सांसद के रूप में उठूंगा तो निश्चित रूप से समय यहाँ के जनता के और आदिवासियों सही में हम आज हमारे मुखिया जी के समक्ष आए हैं, विचारों को जान के हम यह पूरे तरह से सर्टिफाई हो गए हैं कि सचमुच उनको समर्थन में आने का वजह कुछ और ही है, क्योंकि आज सनकोट और कहीं ना कहीं आदिवासियों का कॉलम को हटाने का एक सिलसिला आज से 70 साल से आदिवासियों को मिटाने का एक षड्यंत्र रचा गया है। उन्हीं से त्रस्त होके हमारे जन जन हमारे जो चमरा लीला भावी सांसद है, जो मसीहा के नाम में आज झंडा की बात हो या सनक की बात हो, पूरा भारत में पूरा झारखंड में आज उन्हीं का देन है कि ये प्रसार प्रसार किया जा रहा है। वो एक भटकाटवा नहीं, भटकाटवा तो बीजेपी और कांग्रेस को हम जान सकते हैं, क्योंकि आज से नहीं वो 70 साल से हमारे झारखंड को ठगते हसोते, इससे पहले हमारे बाबा साहेब जयपाल सिंह उन्नी हो रो पार्टी को बर्बाद करके और वोट काटवा के रूप में पूरे झारखंड में काबिज हो चुके हैं। तो ऐसे ऐसे बाहरी तत्वों को और बाहरी शक्तियों को आज हमें पहचानने के और मिटाने की जरूरत है। तो हमारे मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद और इनके हमारे भविष्य चमरा लीला को समर्थन करने के लिए हृदय से धन्यवाद और जन जन तक इस संदेश को पहुँचाए हम यही कामना करते हैं। मैं बहाल इंडा खुटी से एक इंच भी जमीन नहीं है ये बोलता है कानून और इसको कौन मानता है? ये लोग आए तो मान भाई समझ कर अच्छा बात है। हां नमः विद्यार्थी धर्म का कारण नमः के नमः भारत कितना नेतृत्व देखिए आगे कुछ नहीं लौट का संकेत करता हूं पार्टी में हमें अच्छा आपका नंबर दे दीजिए।